आप सबको नमस्कार। 5, 6, 7, 8 और 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। महावीर जयंती 6 अप्रैल को मनाई गई। महावीर जयंती जो लॉर्ड महावीरा थे उनका जो जन्म दिवस था उस दिन मनाई जाती है। तो 6 अप्रैल को मनाई गई थी महावीर जयंती, जो कि बर्थ एनिवर्सरी थी लॉर्ड महावीरा की। जैनिज़्म के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। जैनिज़्म जो फाउंड करा था रिलीजन, उनका नाम था ऋषभ नाथ। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिन्हें आप टीचर्स भी कह सकते हैं। अगर पहले की बात करें गुरु जी की, जो हमारे तीर्थंकर थे वो थे ऋषभा, इनका सिंबल था बुल। 23 नंबर के थे पर्शवनाथ, इनका था सरपेंट। और जो 24 थे लॉर्ड महावीरा, जिनका जो जन्म दिवस है 6 अप्रैल को इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, उनका सिंबल था लॉयन। नेशनल मैरीटाइम डे ये सेलिब्रेट करा जाता है 5 अप्रैल को भारत के अंदर। ये भारत में 57 नंबर का मनाया गया था। इस बार की जो थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानट, तो ये थीम थी नेशनल मैरीटाइम डे जो 5 अप्रैल को मनाया गया। तो 5 अप्रैल को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे और 6 अप्रैल को मनाया गया नेशनल आपका मैरीटाइम डे और 6 अप्रैल को मनाया गया आपका महावीर जयंती। 5 तारीख को एक और दिवस मनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। आर्मी मेडिकल कॉप्स ने अपना रेजिंग डे जो मनाया था वो 3 अप्रैल 2020 को मनाया था। ये इनका 256 था। तो आपसे पूछ सकते हैं आर्मी मेडिकल कॉप सेलिब्रेट करा गया ये कितने में नंबर का था, तो ये 256वें नंबर का था। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये 6 अप्रैल को मनाया गया। WHO ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, आज मैंने उसका एक आर्टिकल भी कवर करा है द टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जियोनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा ये 7 अप्रैल को मनाया गया। तो 7 अप्रैल को 2 दिवस मनाए गए, एक आपका वर्ल्ड हेल्थ डे और एक आपका मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जियोनोसाइट अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। रवांडा की बात करें तो रवांडा का जो कैपिटल है वो है किगाली, रवांडा फ्रांक इनकी करेंसी है, राष्ट्रपति का नाम है पॉल कगामे। इंटरनेशनल रोमानी डे ये 8 अप्रैल को मनाया गया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इन्होंने ऊबर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है जिससे कि जो भी COVID-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो देखभाल कर रहे हैं जो हेल्थ वर्कर हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए ऊबर की जो है साइन करा गया है। बात करते हैं ऊबर की, तो ऊबर 2009 में बना था, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। फाउंडर का नाम है ग्रेट कैंप एंड तरविस कनेक। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो ऊबर के साथ साइन करा है तो हम पढ़ लेते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिसे NHA के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत की एक एपेक्स बॉडी है जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करती है। तो जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम किसके हाथ में है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जो 19th एशियान गेम्स होने जा रहे हैं 2022 के अंदर और 2026 के होंगे नेग्यो जापान के अंदर। तो जो 19th एशियन गेम्स हैं जो चाइना के अंदर होंगे, जगह का नाम है हांगजू, उसके लिए 3 रोबोट हैं जो कि मस्कट के लिए जारी करे गए हैं। इनका नाम है कोंग कोंग, लियान लियान एंड चन चन। तो ये 3 थे, ठीक है जी, ये 3 थे। तो जब आप देख पा रहे होंगे ये तीनों रोबोट जो हैं आपके, तो एक का नाम है कोंग कोंग, लिन लियान एंड चन चन। तो ये 19 जो एशियन गेम्स हैं जो कि हांगजोंग में होंगी 2022 के लिए, इनका ऑफिशियल मस्कट है। ये 18 अगस्त से लेकर सॉरी जो 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे जो 18वें नंबर के थे वो 2 जगह थी, पम्बंगन
और आपका जकार्ता जहाँ पर ये हुए थे, इनका जो मोटो है वो है एनर्जी ऑफ एशिया। 2022 के जो एशियन गेम्स हैं ये हेल्ड हुए थे हांगजोंग चाइना के अंदर, और 2026 के जो होंगे वो होंगे नियोग्यो जापान के अंदर। तो 2018 के कहाँ पे हुए थे? जकार्ता और पामबंगन के अंदर। 2022 के होने जा रहे हैं हांगजोंग चाइना के अंदर, जहाँ पे मस्कट जो है वो 3 रोबोट जारी करे गए हैं उसके लिए, और 2026 के जो होंगे वो नियोग्यो जापान में होंगे। तो 2018 के अंदर जो हुए थे उसके अंदर टॉप 3 स्टेट्स थी, कंट्री थी, वो थी चाइना, जापान, साउथ कोरिया। भारत का रैंक था 9। भारत को 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मिले थे, टोटल नंबर थे 69। तो 15, 24, 30 भारत को मेडल मिले थे। इंडिया को 6 बिलियन की लोन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम लेने जा रहे हैं ADB से और AIIB से कोरोना वायरस के लिए। ADB की बात करते हैं तो एशियान डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। 22 अगस्त 1966 को यह बना था। 68 कंट्री जिसकी मेंबर हैं और प्रेसिडेंट का नाम है अशकावा। बात करते हैं AIIB की, इसकी फुल फॉर्म है एशियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। हेड का नाम है जिन लिंकवान। मेंबर हैं 76। तो 68 मेंबर हैं ADB के और 76 मेंबर हैं AIIB के। 4 अक्टूबर 2014 को ये बना था। आपको पता होगा जो फीफा का जो अंडर 17 का जो वर्ल्ड कप था महिलाओं का, वो भारत में होने जा रहा था, लेकिन अभी से कैंसिल कर दिया गया है। बात करते हैं फीफा की, तो फीफा 1904 में बना था। ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो ज्ञानी इन्फिंटैनो है। IIT जो रुड़की है उन्होंने एक प्राण वायु, एक पोर्टेबल और बहुत ही लो कॉस्ट वेंटिलेटर तैयार करा है। US जो है भारत सरकार को 2.9 मिलियन की मदद करेगी कोरोना वायरस के लिए। प्रवीण राव को प्रेसिडेंट बना दिया गया है NASSOCHAM का 2020-2021 वर्ष के लिए। बात करते हैं NASSOCHAM की, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। इसका हेडक्वार्टर नोएडा के उत्तर प्रदेश में है। 1 मार्च 1988 को ये बना था। तो प्रवीण राव किसके न्यू चेयरमैन बने हैं? NASSOCHAM के। फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, फॉर्मेशन 1 मार्च 1988। मैं आपको बता दूं कि पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये 2 ड्रग्स थी जिसका भारत ने जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन अमेरिका और जो बाकी मुल्क हैं उनको इस दवा की बहुत ज़रूरत है। तो अब जो है भारत सरकार ने थोड़ी सी लीनियंट दिखाया है इस चीज़ के लिए और वो लोग एक्सपोर्ट उसको करेंगे। इस ड्रग्स के बारे में मैं आपको बहुत अभी डिटेल में बताऊँगा नीचे वीडियो के अंदर। सिविल सर्विसेज जो एसोसिएशन है उन्होंने मिलकर एक इनिशिएटिव चालू करा, इसका नाम है करुणा टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। फाइनेंस मिनिस्टर ने 17,287.8 करोड़ रुपया स्टेट्स को दिया है टू कॉम्बैट विद दी COVID-19 वायरस। बात करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, जो कर्नाटका से आती हैं राज्यसभा से। भारत का जो एयरफोर्स है उन्होंने ऑपरेशन संजीवनी चालू करा है, और ये 6.2 टन्स की जो मेडिकल एड है ये मालदीव तक पहुंचाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संजीवनी ऑपरेशन कहाँ चलाया गया है? तो हमारी एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया मालदीव्स में। बात करते हैं थोड़ी सी मालदीव्स की, मैंने आपको मालदीव डिटेल में पढ़ा है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। मालदीव्स 26 अटोल से मिलकर बना है। एरिया की बात करते हैं तो रफली ये 298 स्क्वायर किलोमीटर का ही है, और पॉपुलेशन की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से भी और लैंड के हिसाब से भी है ये आपका एशिया के अंदर। 427,756 लोग हैं। माले इसकी कैपिटल है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी यहीं पे ही है। इसे किंग ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है। अगर बात करें इनके राष्ट्रपति की तो इब्राहिम मोहम्मद सोले हैं, और बाकी हम उसको पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। इनकी जो लेजिस्लेचर उसे मजलिस कहा जाता है, जहाँ पर 87 सीट्स हैं, और 26 जुलाई 1965 को इसको आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, ठीक है जी। UK से इनको आज़ादी मिली थी। अरमान, देखिए अरमान क्या है? एक भारत का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्कूल अवार्ड दिया गया है फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। 2021 के जो वर्ल्ड गेम्स थे जो ब्रिंगबंग और एलबामा में होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो हमारा राज्य है तमिलनाडु, उसने टॉप करा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर, और नंबर 2 पर कर्नाटका है, नंबर 3 पर गुजरात है। तो तमिलनाडु,
कर्नाटक और गुजरात, ये एक दो तीन स्थान के ऊपर हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। ये जो स्कीम थी 1 जुलाई 2015 को चालू हुई थी। नवीन पटनायक को पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है फीडिंग कम्युनिटी के लिए। बात करते हैं पेटा की। पेटा की फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। 22 मार्च 1980 को ये संस्था बनी थी। नॉरफॉक वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के अंदर। प्रेसिडेंट का नाम है इनग्रिड। तो आपसे पूछ सकते हैं पेटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। US में इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया के अंदर और 22 मार्च 1980 को यह संस्था बनी थी। आपको पता होगा अमेरिकन के एक बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश के अंदर, कोबी ब्रेंट। इन्हें हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद जिब्रिली, इनकी डेथ हो गई है। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, करेंसी का नाम है लीबियन दिनार। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उन्होंने भारतीय एक्सा के साथ COVID-19 के इंश्योरेंस प्लान्स के ऊपर चालू करा है। जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 5T प्लान दिया है टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ COVID-19। ये इनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने बोला है टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट टीम वर्क ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है जी। UK की जो लेबर पार्टी है उनके नए अध्यक्ष बने हैं केयर स्टैमर, और जो जॉरिस बॉन्सन है वो पॉजिटिव पाए गए थे COVID-19 के लिए। हरियाणा की जो सरकार है एवं जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इन्होंने जून तक च्युइंगम के ऊपर बैन लगा दिया है। इंडियन रेलवे ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाए हैं जिनका नाम है जीवन। थाईलैंड और मलेशिया को वेट लिफ्टिंग से बैन कर दिया गया है टोक्यो के जो ओलंपिक होने वाले थे। इंडिया जो है AFSC एशियन कप 2027 के लिए अपना बिड दे चुका है। महाप्रसाद अधिकारी ये गवर्नर नियुक्त हुए हैं नेपाल के सेंट्रल बैंक के। मलेशिया के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद सियारिफुद्दीन। पॉकर स्टार ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने TB जो मशीन है वो COVID-19 के लिए उनको अप्रूव कर दिया है। मणिपुर की सरकार ने एक ऐप लॉन्च करा, इसका नाम है MN COVID-19 मोबाइल ऐप। तेलंगाना की जो सरकार है COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम चालू कर है इन्होंने। जो अरविंद कृष्णा हैं इन्होंने IBM के नए CEO बने हैं। IBM की बात करें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ये 1911 में बनी थी सन। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। फाउंडर की बात करें तो चार्ल्स रेनलेंट हैं और थॉम जे वॉटसन हैं। अरविंद कृष्णा इनके CEO हैं और जिम वाइट भट्ट ये इनके प्रेसिडेंट हैं। अनुराग श्रीवास्तव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए स्पोक्सपर्सन बने हैं। सैलरी अलाउंस और जो पेंशन होगी MPs की उन्हें 30% काट दिया जाएगा एक साल के लिए। चाइना का जो ओलंपिक मेडलिस्ट था हाई जंपर जांग गुआई, ये रिटायर्ड हो गए हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 379 किलोमीटर की हाईवे बनाई है 2019-20 के लिए। ये जो ड्रग्स आप देख रहे हैं हाइड्रोक्सक्लोरिन, ये एक ऐसी ड्रग है जिसे एंटी मलेरियन ड्रग भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मलेरिया के अंदर एवं अर्थराइटिस ल्यूपिस पुरहिया जैसी बीमारियों के लिए करा जाता है। ठीक है, इन बीमारियों के लिए करा जाता है। और जो हमारा ICMR है उन्होंने कुछ सिचुएशंस के अंदर इस ड्रग को बोला है कि आप यूज़ कर सकते हो। ये COVID-19 को ठीक नहीं कर देता, बट हाँ उसके लिए ये वर्ल्ड में कह रहे हैं कि इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो अमेरिका को ये चाहिए था, हमने इनके इस कोड के ऊपर बैन लगा रखा था। ठीक है, तो अब भारत सरकार ब्राज़ील हो या बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको ये मुहैया करवाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उन्होंने एक समाधान एक ऑनलाइन पोर्टल चालू करा है जिससे कि वो आइडियाज़ मंगवाएंगे बच्चों से या लोगों से कि किससे क्या क्या किया जा सकता है COVID-19 को कॉम्बैक करने के लिए। प्राग राजा ये MD CEO बने हैं भारतीय एक्सा के। भारतीय एक्सा कंपनी 2008 में बनी थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1960 की जो मूवीज़ आती थी जेम्स बॉन्ड उनकी जो हीरोइन थी ऑनर ब्लैकमैन, इनकी डेथ हो गई है। ऋषिकेश कृष्णन ये डायरेक्टर बने हैं IIM बेंगलोर के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मुंबई भारत की पहली सिटी बनी थी जिसने कंपलसरी कर दिया था मास्क, और दिल्ली में भी मास्क जो है फेस मास्क कंपलसरी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है पढ़ाई तुम्हार
द्वार, MHRD ने, वो जो आपको मैंने बताया था, समाधान पोर्टल चालू करा है। चाइना वाज द टॉप कंट्री इन द इंटरनेशनल पेटेंट फिलिंग इन 2019।